नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। राज्यसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ सीमा पर तनाव को लेकर बयान दिया। रक्षा मंत्री ने कहा कि देश हित में चाहे जितना बड़ा या कड़ा कदम उठाना पड़े, भारत पीछे नहीं हटेगा। राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत ना तो अपना मस्तक झुकने देगा और ना ही किसी का मस्तक झुकाना चाहता है। रक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि भारत हर कदम उठाने को तैयार है और सेना की पूरी तैयारी है, हमारे जवानों का हौसला बुलंद है। अब सुप्रीम कोर्ट में सुदर्शन न्यूज टीवी ने दावा किया है कि वो नागरिकों और सरकार को राष्ट्र विरोधी और समाज विरोधी गतिविधियों के बारे में जगाने के लिए खोजी पत्रकारिता कर रहा है। ऐसा उसने सुप्रीम कोर्ट में अपने एक टीवी शो का बचाव करते हुए कहा है, जिसमें वो UPSC में मुसलमानों के प्रवेश को एक साजिश बताते हैं और उसको नौकरशाही जिहाद का नाम दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने सुदर्शन टीवी के एडिटर इन चीफ सुरेश चौहान के खिलाफ आपराधिक अवमानना का मुकदमा दायर करने की याचिका को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। याचिका में कहा गया था कि चौहान के ने उनके शो पर बैन लगाए जाने के बाद कुछ ट्वीट्स किए थे जो अदालत के आदेश का अपमान थे। इसके जवाब में जस्टिस चंद्रचूड़ ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर उन्होंने यानी चौहान के ने कुछ मूर्खतापूर्ण कहा है तो हम इसे अनदेखा कर देंगे। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि मेन स्ट्रीम मीडिया यानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पहले डिजिटल मीडिया के लिए रेगुलेशन और नियमों को बनाने की जरूरत है, क्योंकि डिजिटल मीडिया का असर मेन स्ट्रीम मीडिया से ज़्यादा व्यापक है। बता दें, सुप्रीम कोर्ट में सुदर्शन न्यूज चैनल के एक शो पर फिलहाल प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कहा गया था कि देश की मेन स्ट्रीम मीडिया यानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर अंकुश लगाने की आवश्यकता है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा UPSC जिहाद जैसे कार्यक्रम को विषैला करार दिए जाने के बाद अब दिल्ली हाई कोर्ट ने फिर एक बार टीवी न्यूज़ चैनलों को संयम बरतने की हिदायत दी है। अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंह ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा था कि मीडिया चैनल लगातार रिया चक्रवर्ती के मामले में ड्रग्स रैकेट में शामिल होने की खबरें चला रहे हैं, जो कि सरासर झूठ और बिना तथ्य के हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में मीडिया, खासकर टीवी चैनलों को खबर चलाते समय संयम बरतने का निर्देश जारी किया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी के खिलाफ CBI की एक विशेष अदालत ने भ्रष्टाचार के एक मामले में केस दर्ज करने के आदेश दिए हैं। ये मामला राजस्थान के उदयपुर में स्थित लक्ष्मी विलास पैलेस होटल के विनिवेश का है। अदालत ने शौरी के अलावा पूर्व नौकरशाह प्रदीप बैजल और होटल व्यवसायी ज्योत्सना सूरी के खिलाफ भी केस दर्ज करने के लिए कहा है। अदालत ने मामले में इस बात पर ध्यान दिया कि इस होटल को भारी घाटे में बेच दिया गया था। ये वाकया 2002 में उस वक्त हुआ था जब अरुण शौरी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में विनिवेश मंत्री थे। अदालत ने कहा कि लक्ष्मी विलास होटल की कीमत 252 करोड़ रुपए से ज़्यादा थी, लेकिन इसे सिर्फ 7.5 करोड़ रुपये में ही बेच दिया गया। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने एक बयान में केंद्र सरकार और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन पर तीखा हमला बोला है। उसने केंद्र सरकार पर डॉक्टरों के प्रति असंवेदनशील होने, अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह नहीं करने और नायकों का परित्याग करने के आरोप लगाए हैं। डॉक्टरों की इस शीर्ष संस्था ने दावा किया है कि कोरोना से लड़ते हुए 382 डॉक्टर मारे गए हैं, जिनमें सबसे कम उम्र का 27 साल का है और सबसे अधिक उम्र का 85 साल का था। IMA ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री ने एक बार भी यह स्वीकार नहीं किया है कि कोरोना से लड़ते हुए डॉक्टर मारे गए हैं। बयान में कहा गया है कि डॉक्टरों की मौत के बारे में देश को बताना जरूरी नहीं समझा गया। ऐसा लगता है कि मानो उनकी मौत से कोई फर्क नहीं पड़ता हो, किसी भी देश में कोरोना से इतने डॉक्टर नहीं मरे हैं। भारत में संक्रमितों का आंकड़ा 51,21,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 83,000 से ज़्यादा हो गई है। फिलहाल एक्टिव केस 10,00,000 के पार हो चुके हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक दुनिया में संक्रमितों का आंकड़ा 2,98,00,000 से अधिक हो चुका है और मृतकों की संख्या 9,41,000 के पार हो चुकी है। फिलहाल 2 करोड़ से ज़्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक अमेरिका में संक्रमितों की संख्या 66,31,000 से अधिक हो गई और मृतकों की संख्या भी 1,96,000 से ज़्यादा हो चुकी है। इसके अलावा ब्राज़ील में भी संक्रमितों की संख्या 44,19,000 से ज़्यादा हो चुकी है और मृतकों की संख्या 1,34,000 के पार है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।